हमीरपुर में एक बार फिर बिना टैक्सी परमिट के सवारियां ले जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय टैक्सी यूनियन ने इस गाड़ी को पकड़ा जिसके चालक के पास हिमाचल में आने जाने का परमिट नहीं था। बलाबला ऐप के जरिए इस गाड़ी की बुकिंग हुई थी और गाड़ी का नंबर भी टेम्परेरी ही था। ऐसे में टैक्सी यूनियन ने इस गाड़ी को पकड़ा और ट्रैफिक पुलिस को भी मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने चालक के दस्तावेज चेक किए और बिना परमिट के सवारियां ढोने के चलते 10,000 रुपए का चालान काटा गया। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पिछली रात से यह चालक गाड़ी को लेकर बस अड्डे के आसपास घूम रहा था और टैक्सी ऑपरेटरों की नजर इस पर थी। गुरुवार दोपहर के समय पक्का भरोसे वह सवारियां लेकर आया तो बस अड्डे पर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने कार को रोका और ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी। ये नहीं चलना चाहिए, इसमें अथॉरिटी मिले टैक्सी गाड़ी को अथॉरिटी मिले। कहाँ का बंदा गाड़ी की गाड़ी है, चार नंबर नंबर है, जरूरी भी नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये जो है ये बंदा चंडीगढ़ से अलग सवारी और उसने सवारी ड्रॉप की और यहाँ खाली हो गया। फिर एक बलाबला ऐप है, उसने इस पर राय डाली है जो मतलब सवारियाँ ढो के ले जाती हैं। तो हमने बलाबला में चेक किया तो फिर इसको पकड़ा, उसके साथ 5 सवारियाँ थी। कागज पत्र पूरे इसके, इसके कागज पत्र कोई पूरा नहीं है क्योंकि ये अभी टेम्परेरी नंबर पर है। जनवरी में इसने गाड़ी ली थी जब 1 महीने का टाइम होता था कमर्शल नंबर लेने का, और इस बंदे ने अभी तक 6 महीने हो गए हैं अब गाड़ी का नंबर, तो अभी टेम्परेरी नंबर पे ही भी चलती है। जिस हिसाब से तो अगर ये टैक्सी परमिट है तो ये इसको तो पाउंड होना चाहिए क्योंकि इसकी पीली प्लेट नहीं है और टेम्परेरी नंबर लगा के। और क्या क्या कार्रवाई करने की मांग करते हैं? अब कार्रवाई जो है वो प्रशासन ही करेगा, बाकी हमारा काम ठीक है। बता दें कि बलाबला ऐप के जरिए कई लोग बिना टैक्सी नंबर के सवारियां भरते हैं, जिससे टैक्सी चलाने वाले लोगों को खासा नुकसान होता है। पिछले दिनों भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।